हाय बच्चों, तो बहुत बच्चे ये कहते हैं, ऑफन कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम नीट और बोर्ड को साथ लेके कैसे चले। तो मैंने कहा चलो फटाफट से तुम लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए कि कैसे साथ लेके चले। ऑल्दो मैंने कल परसों शाम को भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये करना है कि नीट की जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, जिसने कोई भी क्लासेस ज्वाइन करके जो वेदांत बायोटॉनिक पे रेगुलरली पढ़ रहा है, नीट आपके तीनों सब्जेक्ट्स को टोटली साथ लेके चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, देन इट इज जस्ट अबाउट राइटिंग देम इन द एग्जामिनेशन, व्हिच यू कैन वेरी इजीली डू, राइट? दैट इज जस्ट अबाउट राइटिंग मोड। सो प्लीज इंश्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्राइमरी फोकस इज डेफिनेटली ऑन नीट। जो आपकी क्लासेस भी चलती हैं स्कूल में, योर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें ऑब्वियसली, या तो अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सिलेबस अलग है, बट इवन देन 65-70% ऑफ द स्टेट बोर्ड सिलेबस इज ऑल्सो सेम। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही है दैट आपका जो सिलेबस वहां चल रहा है, जो एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज फोकस ऑन योर थ्योरी। उस स्कूल के टाइम पे अपनी सारी थ्योरी आपको कर लेनी चाहिए। यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर बोर्ड एग्जाम इफ यू स्टडी फॉर नीट, बिकॉज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी क्लियर। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, यू कैन इजिली मेक योर आंसर्स राइट देन। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, 95% वो स्कूल के टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल के टाइम पे ट्यूशंस की टेंशन लेते हैं, स्कूल के टाइम सिलेबस कंप्लीशन की टेंशन लेते हैं। ये नहीं करना है। स्कूल के टाइम अगर आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, कई टीचर्स होते हैं, आप मेरे को बच्चे ऑफन कंप्लेन करते हैं, मैम वो ना डिक्टेट करते रहते हैं, मैम वो लिखवाते रहते हैं। बेटा दैट कैन रियली हेल्प, बिकॉज उसकी वजह से आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो सकती है, आपके बोर्ड एग्जाम में राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है। सो The school follow textbook on which board exams are going to be based. और अगर आप वहां पे अच्छा कर लो तो आपके 65-70% board exam की tension तो खत्म हो गई। Whatever is done in the school class, at least वहीं के याद कर लो, diagram सारे याद कर लो, experiments सारे याद कर लो, NCERT के physics, chemistry, bio के सारे solved examples कर लो। चलो bio में solved examples नहीं है, सारे solved examples कर लो। School time का total फायदा उठाओ अपने थ्योरी करने के लिए और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आने के लिए। उसके अलावा आपको घर आकर नेग्लिजिबल पढ़ना पड़ेगा। जो सीसीए वगैरह वाली क्लासेस होती है उसमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स खत्म करना शुरू करो। अब जब बात आती है कि कैसे उस बोर्ड एग्जाम पे जो स्कूल लेवल का है उसके ऊपर नीट को कैसे हम डेवलप करें, सो एग्जाम्पल्स एंड समरी इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत वैल्यूएबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम और नीट में दोनों ही बहुत वैल्यूएबल है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स जो रेकमेंड करते हैं टीचर्स की, इसके अलावा तो आपको और कुछ करना ही नहीं है। इजीली आपका नीट एम सब क्लियर हो सकता है अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी मैं 100 बार पहले बोल चुका हूं, एक आंसर बुक है। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाओ, एक एक डायग्राम देखो, एक एक एग्जाम्पल देखो, उस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल कॉपी में लिखो सेपरेटली। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 110% आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम की एनसीईआरटी बुक से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को सॉल्व करो, राइट? जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स का एक महीना पहले नहीं पड़ता, आपकी मेन प्रायोरिटी नीट होनी चाहिए। लास्ट का 1-1.5 month आपको बोर्ड एग्जाम्स की करनी है। आपको क्यों नीट को प्रायोरिटी देना है? क्योंकि जब आपका नीट प्रायोरिटी तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे तो बहुत इजीली आप थ्योरी अच्छी कर पाओगे। इट इज इजियर फॉर यू टू सॉल्व द बोर्ड एग्जाम्स। और आफ्टर स्कूल आवर्स कोशिश कीजिए आपका 80% जो बोर्ड है, ऑब्वियसली बाकी तो राइटिंग प्रैक्टिस होगी, वो स्कूल में ही हो जाए, ताकि आफ्टर स्कूल यू कैन ओनली फोकस ऑन योर नीट एग्जाम्स। नीट एग्जाम के स्पेसिफिकली अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया तो उनके यहाँ जो असाइनमेंट्स डायरेक्ट यू नो डीपीपीज मिलती है, एमसीक्यूज मिलते हैं, वो सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए अगर आपके कोई कोचिंग नहीं है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा जो स्टडी मटेरियल है नीट के लिए स्पेसिफिकली, उसमें एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारी रेफरेंस बुक्स को अवॉइड कीजिए, मल्टीपल बुक्स नहीं, एक बुक एमसीक्यू की ले लीजिए, भले वाणी मैम की बुक ले लो, कोई बुक ले लो, डू वन बुक मल्टीपल टाइम्स रादर देन डूइंग 4 books जस्ट वन टाइम। सो मेक श्योर ये प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी टाइप की एक एमसीक्यू बुक लेके मल्टीपल टाइम्स आप उसे कर रहे हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स। मॉर्निंग में मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है बहुत स्पेशल शॉर्ट्स में आपको टिप्स, ट्रिक्स और निमोनिक्स करा रही हूं। डोंट मिस दैट। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।